कभी आप किसी पर्वत को देखें, दिन में आप उस पर्वत को देखेंगे तो कितना सुंदर दिखता है, इतना विशाल, इतना सुंदर। तब प्रकृति को देख के मन से केवल स्तुति ही आती है। अब उसी पर्वत को आप अंधकार में देख लीजिए, उतना ही भयावह लगता है। अब यही होता है व्यक्ति के साथ भी, यही होता है किसी अन्य स्थान के साथ भी। अब इसका कारण क्या है? क्या व्यक्ति के रूप का, उसके व्यक्तित्व का कोई महत्व नहीं है? नहीं, ऐसा कदापि नहीं। इसका सारा श्रेय जाता है प्रकाश को। ये प्रकाश ही है जो आपके गुणों को, आपके व्यक्तित्व को, आपके रूप को निखार के संसार के समक्ष लाता है। तो आप भी अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर हो जाइए, उन लोगों की ओर अग्रसर हो जाइए, उन दिशाओं में अग्रसर हो जाइए जो आपके भीतर के गुणों को, आपके व्यक्तित्व को संसार के समक्ष ला सके। यदि आप ये करते हैं तो आप जीवन भर सुखी रहेंगे। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा राधे राधे। आप कभी सूर्य के प्रकाश को अपने हाथ में, अपनी मुट्ठी में थाम के रखने का प्रयास कर चुके? आपको तो पता ही होगा कि यह संभव नहीं। अब जल को कभी बांध के रखने का प्रयास कीजिए, वो भी संभव नहीं। परंतु जब यही सूर्य का प्रकाश, ये ताप धरती पर आता है तो धरती क्या करती है? इसे सभी वनस्पतियों में बांट देती है, उनके विकास में सहायक बनती है। और इसीलिए ये धरती पूजी जाती है, इसे धरती माता हम कहते हैं। ऐसे ही चंद्रमा रात्रि में जब चमकता है, अपनी रोशनी फैलाता है, तो एक राही को, एक पथिक को उसका राह दिखाता है। इसलिए चंद्रमा देवता कहलाता है। इसी प्रकार आप भी कभी प्रकृति को बांध के रखने का प्रयास मत कीजिए, इसे सहेज के रखना सीखिए, इसे बांटना सीख जाए, ठीक प्रेम की भांति। इस प्रेम को कभी भी मुट्ठी में बंद करने का प्रयास मत कीजिए, बल्कि इसे खुले हाथ से बांटना सीख जाए। ये यदि आप सीख गए तो स्वयं को प्रसन्न रखना भी सीख जाएंगे, दूसरों को प्रसन्न रखना भी सीख जाएंगे। आइए और इसी प्रेम के साथ कहें राधे राधे। दुख क्या, भय क्या, इसे कुछ इस प्रकार समझिए। जीवन में जब भी आप कुछ प्राप्त कर लेते हैं, उसे खो देने का भय उसी के साथ आ जाता है। जैसे आपने धन अर्जित कर लिया, धन को खोने का भय उसी के साथ आ जाता है। संपत्ति बना ली, लुट जाने का भय साथ ही आ जाता है। अब ये जीवन के साथ भी होता है। जैसे ही आप जन्म लेते हैं, मृत्यु का भय उसी के साथ आ जाता है। जन्म नहीं हुआ तो मृत्यु कैसे होगी, मृत्यु का भय कहां से आएगा? अब ये भय क्या करता है आपको समझाता हूं। ये भय यदि मन में होगा, यदि जीवन में होगा, तो जो भी आप प्राप्त कर लो, सुख, संपत्ति, सुविधाएं, धन, इसे पाने का एक आनंद होता है, इसके साथ जीने का एक आनंद होता है, ये भय उस आनंद को आपसे छीन लेता है। मान लीजिए कल आपकी मृत्यु होने वाली है। अब कल की मृत्यु का भय आज ही मन में है, तो ये भय आज का सुख, आज की शांति आपसे छीन लेगा। भय यही करता है। तो स्मरण रखिएगा, भय का साथ जो है वो त्याग दीजिए, जीवन जीने का जो सुख है वो सदैव साथ रहेगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। सूर्य को लगता है कि उससे अधिक तेजस्वी और प्रकाशवान और कोई नहीं, तो उसका ये अभिमान तोड़ने के लिए मेघ आ जाते हैं। फिर मेघों का अभिमान बढ़ता है, उन्हें लगता है कि उनसे अधिक घना और कोई नहीं। तभी वायु का एक प्रबल झोंका आता है और मेघों को छिन भिन कर देता है। अब वायु में अभिमान आता है, वायु सोचती है कि मुझसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं। यही वायु का झोंका जाके किसी विशाल पर्वत से टकराता है, उस वायु का भी अभिमान चूर चूर हो जाता है। पर्वत सोचता है कि मुझसे अधिक स्थिर और शक्तिशाली और कोई नहीं। तो धरा भूकंप ला देती है और वो विशाल पर्वत चूर चूर हो जाता है, उसका भी अभिमान टूट जाता है। अब धरा में अभिमान आता है, धरा कहती है कि सब कुछ मुझ पे टिका हुआ है,
मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं। एक छोटा सा मूषक आता है, धरा में बिल बनाता है, भीतर घुस जाता है, धरा का भी अभिमान टूट जाता है। इसका तात्पर्य सरल है, इस संसार में अभिमान कभी स्थिर नहीं रहता, ये अभिमान टूटेगा। ये सांसारिक चक्र है, हमें अपने जीवन में अपने कर्तव्य निभाने हैं, अपने कर्म करने हैं, अभिमान नहीं करना। जो व्यक्ति इस बात को समझ जाता है वो ज्ञानी कहलाता है, और जो इस बात को नहीं समझ पाता वो आजीवन शोध प्रतिशोध मान अपमान इसी में उलझ जाता है। अब क्या आप इसी में उलझना चाहते हैं या आप ज्ञानी बनना चाहते हैं? चयन आपका। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। जीवन में लक्ष्य को कैसे पाया जाता है? कोई कहेगा मित्र की सहायता से, कोई कहेगा प्रेम से, कोई कहेगा निरंतर प्रयास करने से, परिश्रम करने से, कोई कहेगा ईश्वर के आशीर्वाद से, आदि इत्यादि। मैं आपको समझाता हूं, जैसे त्रिलोक है अर्थात तीन लोक है जिसे संचालित करते हैं त्रिदेव तीन दे, उसी प्रकार अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तीन भावों की आवश्यकता है। पहला भाव है स्वप्न देखना। आप स्वप्न देखना आरंभ करेंगे ही नहीं तो उसके आगे कुछ कर ही नहीं पाए। तत्पश्चात आपको दृढ़ संकल्प से चाहे मार्ग जैसा भी हो उस पर चलना होगा। ये दूसरा भाव है दृढ़ संकल्प। और तीसरा भाव है इस लक्ष्य को पाने की यात्रा को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध होना। तो यदि आप स्वप्न देख सकते हैं, दृढ़ संकल्प से मार्ग चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो उस पर चल सकते हैं और उस लक्ष्य को पाने की यात्रा को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो आप भी यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। कहते हैं जीवन में कुछ भी प्रारंभ करने के लिए स्वप्न देखना आवश्यक है, और ये शत प्रतिशत सत्य भी है। परंतु कुछ लोग स्वप्न देखना आरंभ तो करते हैं तत्पश्चात रुकते ही नहीं, स्वप्न देखते ही जाते हैं, सोचते ही जाते हैं, कर्म करते ही नहीं। ऐसे समय आपको स्वयं को जगाना होगा, स्वयं से कहना होगा कि अब उठ के कर्म करने का समय आ गया। क्योंकि आप अत्यधिक विचार ही करते रहेंगे, स्वप्न ही देखते जाएंगे तो उठ के कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अब बस एक कार्य कीजिए, उठ के कर्म करना आरंभ कर दीजिए। तत्पश्चात धीरे धीरे सोचते हुए अपने कर्मों को दिशा भी दीजिए और उचित गति भी दीजिए, क्योंकि यही सफलता का मूल मंत्र है। ना केवल कर्म करना बिना सोचे समझे, ना केवल सोचना बिना कर्म किए। सफलता का मूल मंत्र इस संतुलन में। तो यही कीजिए, सफलता को प्राप्त कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। राज्य, शासन, संघटना, संस्थापना, इसे सफल कब कहा जा सकता है? किसी विद्वान का यह कहना होगा कि तब जब चारों ओर शांति होगी, किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं होगा न शंका होगी। पर मेरे विचार से ये अनुचित है। किसी भी राज्य के लिए, किसी भी शासन के लिए सबसे अधिक संकट तब आता है जब सबसे अधिक योग्य व्यक्ति या सबसे अधिक विद्वान व्यक्ति भी मूक दर्शक बन के बैठ जाता है। मन में प्रश्न आता है, पूछ ही नहीं पाता, शंका आती है, व्यक्ति नहीं कर पाता। ये अनुचित है। ये प्रश्न ये अच्छे होते हैं, ये प्रश्न अकारण तो नहीं आते, किसी समस्या के द्वारा ही आते हैं। इन प्रश्नों से आप उन समस्याओं को देख सकते हो जिसे जिसे आप कभी अनजान हुआ करते थे, और जितनी समस्याओं का आप निवारण करोगे उतना आपका राज्य, आपका शासन और अधिक श्रेष्ठ बनेगा। ये प्रश्न, ये शंका, ये आपको समाधान के डगर तक अवश्य पहुंचाते हैं। इसलिए ना ये प्रश्न अनुचित है, ना शंका व्यक्त करना अनुचित है, ना वो व्यक्ति मूर्ख है जो प्रश्न पूछता है, शंका व्यक्त करता है। तो इन्हें कभी दूर मत कीजिए, इन्हें अपना मत रखने दीजिए। जब सभी का मत एक मत हो तब निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये राज्य, ये शासन
ये संस्थापना सफलता के शिखर पर है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। प्रकृति नियति कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करती, हर एक को जीवन देती है, समान अवसर देती है। निर्भर उस व्यक्ति की प्रकृति पर करता है कि वो उसका किस प्रकार लाभ उठाता है, उसके चयन पर निर्भर करता है, दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, उस पर निर्भर करता है कि वो कितना सकारात्मक है कितना नकारात्मक है। दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर दुविधा में, हर कठिनाई में, हर विपदा में अवसर निकाल लेते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर अवसर में कहीं ना कहीं से कठिनाई ढूंढ निकाल लेते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? आप अवसर चाहते हैं, आपको अवसर मिलेंगे। आप कठिनाइयां चाहते हैं, कठिनाइयां तो आपको भर भर के मिलेंगी। चयन आपका है, आप कितने सकारात्मक रहना चाहते हो, कितने नकारात्मक रहना चाहते हो। सकारात्मक रहिए, जीवन में सब कुछ संभव। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। है कि आपकी पिछली बार हार कब हुई थी, आपसे भूल कब हुई थी, आपको असफलता कब प्राप्त हुई थी, पराजय कब प्राप्त हुई थी? नहीं, फिर तो आपने अपने जीवन की सबसे बड़े शिक्षक को खो दिया। आपकी पिछली हार, पराजय, भूल, यही आपके सबसे बड़े शिक्षक, सबसे बड़े सहायक है। यही आपको सिखाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। ये प्रकृति हमें क्या सिखाती है, ये समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा कौन सा दिन है जिसकी रात नहीं होती? ऐसी कौन सी नदी है जो नहीं सूखती? ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसके पत्ते नहीं झड़ते? होता ही है, किंतु यदि सूर्य हार मान ले तो रात्रि के पश्चात कभी प्रकाश वो देख ही नहीं पाए। यदि नदी हार मान ले तो वो पुनः वर्षा करवाने में कभी सहायता कर ही नहीं पाएगी। यदि वृक्ष हार मान ले तो वसंत ऋतु में ना वो नए पत्तों को जन्म दे सकते हैं, ना ग्रीष्म ऋतु में वो छाया प्रदान कर सकते हैं। यदि ये सब हार मान लेते तो धरा प्यासी रह जाती। प्रकृति हमें यही सिखाती है, हार, असफलता, पराजय, ये हमारे जीवन में आएंगे ही आएंगे, और हमें सिखाने के लिए आएंगे, हमारे हित के लिए आएंगे। तो अपना दृष्टिकोण भी वैसा ही रखिए, तो सकारात्मक दृष्टिकोण से इसे देखें, अपनी हार से, अपनी पराजय से सीखें और जीवन में आगे बढ़ें। विजय निश्चित रूप से आपकी होगी, और जब होगी तो मन प्रसन्नता से कहे, राधे राधे। हमारे जीवन में दो प्रकार की संपत्ति होती है, एक होती है भौतिक संपत्ति, एक होती है जैविक संपत्ति। धन, संसाधन, सुविधाएं, भोजन, ये सब भौतिक श्रेणी में आता है। व्यक्ति, मित्र, परिवार, हमारे अपने संबंधी जैविक श्रेणी में। अब हर एक मनुष्य के लिए इस विभाजन को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सामान्यतः दो प्रकार के हमारे व्यवहार होते हैं, या तो हम प्रेम करते हैं या तो हम उपयोग करते हैं। और सबसे बड़ी भूल तब होती है जब हम समझ ही नहीं पाते कि प्रेम किससे करना है और उपयोग किसका करना है। हम भौतिक संपत्ति से प्रेम कर बैठते हैं और उपयोग करते हैं जैविक संपत्ति का, जबकि अनुचित। जैविक जीवों से प्रेम कीजिए और भौतिक संपत्ति का उपयोग कीजिए। जिस दिन आप में यह विवेक आ जाएगा कि किससे प्रेम करना है और किसका उपयोग करना है, उस दिन आपके जीवन में केवल शांति ही शांति होगी, और तब ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे।